स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आशा करती हूँ कि आप और आपके पेरेंट्स घर पर ठीक होंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम, जो कि ये टॉपिक हमारा चैप्टर 9 से है, ठीक है। और हमारा चैप्टर 9 कौन सा है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखने से पहले हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हैं। जब हमारे पास मैथमेटिकल प्रूवल आ जाएगा तब हम बताएंगे कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम आज के टॉपिक पर, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने टू ऑब्जेक्ट्स मान लिए, एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। एक्चुअली ये दोनों क्या है? गेंद, ठीक है। ए एक गेंद हो गई, बी एक गेंद हो गई। इसका जो द्रव्यमान है वो है मास m1, इसका जो द्रव्यमान है वो हमने मान लिया m2, ठीक है। मतलब इसका मास m1, उसका मास m2। स्टार्टिंग में ये दोनों एक वेलोसिटी से चलते हैं, ठीक है, एक वेग से गति करते हैं। तो ए का जो प्रारंभिक वेग है वो u1 है, बी का प्रारंभिक वेग है वो u2 है। तो शुरू में जब ये चलते हैं तो स्टार्टिंग में इनका कुछ ना कुछ संवेग होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपस में टकराते हैं, एक्चुअल में ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। फिर ये टी टाइम के बाद क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम के लिए टकराएंगे, तो हमने उस टाइम को क्या मान लिया? टी। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद ए इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा और बी जो है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। अब कोलोजन के बाद, टकराने के बाद इनके वेग में परिवर्तन आएगा, तो हम मान लेते हैं ए का जो वेग है वो कितना आ गया? v1, और बी का जो वेग है वो कितना आ गया? v2। दैट मींस ए की वेलोसिटी आ गई v1 और बी की वेलोसिटी आ गई v2। तो कोलोजन से पहले जो इन बॉल्स की जो वेलोसिटी थी उसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। कोलोजन के बाद जो इन ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी आई उसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या कर लिया है, कुछ चीजों को नोट डाउन कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, ए गोली का द्रव्यमान, मास ऑफ बॉल है दैट इज m1 किलोग्राम, कि ए जो गोला है, ए जो बॉल है उसका मास कितना है? m1। बी गोले का द्रव्यमान कितना है? m2। तो स्टार्टिंग में उनकी वेलोसिटी क्या है? ए का प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितनी मान ली हमने? u1। इसी प्रकार से बी का प्रारंभिक वेग कितना है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी u2 मीटर पर सेकेंड। तो शुरू में जब भी किसी गति से चलते हैं तो इनका क्या होगा? संवेग होगा। तो प्रारंभिक वेग है तो यहाँ पर ए का क्या आएगा? शुरू में प्रारंभिक संवेग, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए। आपने लास्ट वीडियो में जब हमने मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पर हमने मोमेंटम का फॉर्मूला भी देखा था। तो मोमेंटम क्या था? मास इंटू वेलोसिटी। तो ए का मास क्या है? m1, और ए का प्रारंभिक वेग क्या है? u1। तो m1 u1 इसका इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, प्रारंभिक संवेग आ जाएगा। उसके बाद देखो बी का प्रारंभिक संवेग, तो यहाँ पर बी का ही द्रव्यमान लेंगे और बी का ही प्रारंभिक वेग लेंगे। दैट मींस वी विल टेक मास ऑफ बॉल बी एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी। तो यहाँ पर m2 u2 आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी। ये इसकी यूनिट होती है मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टकराव के दौरान समय, तो जब ये आपस में टकराए तो बहुत ही छोटे टाइम के लिए टकराए थे, उस टाइम को हमने क्या मान लिया? टी सेकेंड, ठीक है। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हुआ तो ए का अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई? v1, और बी का अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी बी की क्या आ गई? v2। ये जो मैंने लिख रखी है ये बच्चे यूनिट्स होती हैं। यहाँ पर वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। द्रव्यमान की यूनिट क्या है? किलोग्राम, ठीक है। अब टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज हुआ तो सिंपल सी बात है उसका संवेग भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। तो फिर ए का अंतिम संवेग, जब वेग अंतिम आ चुके तो संवेग भी क्या होगा? अंतिम। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ ए m1 v1, ए का निकालते हैं तो इसी का मास आएगा और इसी की फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। बी का अंतिम संवेग फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, तो बी का मास था m2 इनटू में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी? v2। ये ए का फाइनल मोमेंटम आ गया और ये बी का फाइनल मोमेंटम आ गया। अब हम देखते हैं कि जो बॉल ए है इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया कोलोजन के बाद, ठीक है।
ए के संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। तो जब हम चेंज निकालते हैं तो हमेशा ही फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, हमेशा ही अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करते हैं, तभी हमें पता चलता है वहां पर कितना परिवर्तन आया है, कितना चेंज आया है, चाहे यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात करें या फिर हम मोमेंटम की बात करें। तो फाइनल मोमेंटम क्या था ए का, एम वन वी वन, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था, एम वन यू वन, दैट मीन्स अंतिम संवेग एम वन वी वन, प्रारंभिक संवेग एम वन यू वन। तो इसमें आपको देखना है कि संवेग में कितना परिवर्तन आया, तो अंतिम में से प्रारंभिक को क्या कर दोगे, माइनस। तो आप देख रहे हो एम वन दोनों में है, तो एम वन यहाँ क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है, तो आपका क्या बच जाएगा, वी वन माइनस यू वन। सेम हियर, बी के संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, तो बी का अंतिम संवेग माइनस बी का प्रारंभिक संवेग, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस फाइनल मोमेंटम ऑफ, सॉरी इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी। तो इसको माइनस करोगे दोनों में, एम टू क्या है, कॉमन, एम टू कॉमन ले लिया, एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा, वी टू माइनस यू टू। आप देखो ए के संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए। तो रेट का मतलब आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये टाइम से होता है कि पर यूनिट टाइम में वहां पर कितना चेंज आया है। तो मोमेंटम कितना था, एम वन वी वन माइनस यू वन डिवाइडेड बाय टी, ठीक है, क्योंकि हम रेट निकाले ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कि पर यूनिट टाइम में कितना चेंज आया, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से, क्योंकि कोलोजन के टाइम कितना टाइम लगा था, टी टाइम। उसके बाद बी के संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, तो बी का मोमेंटम क्या था, एम टू वी टू माइनस यू टू, तो रेट निकालनी है, देन इट इज डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। उसके बाद देखो जब यहां पर ये दोनों आपस में टकराए, तो ए ने बी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया और बी ने ए के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया। यहां पर हम कह रहे थे ए ने जो बी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया वो है एफ ए बी, ठीक है, और बी ने जो ए के ऊपर फोर्स अप्लाई किया उसको नाम दे देते हैं एफ बी ए। तो हम देखते हैं कि कौन कितना फोर्स अप्लाई करता है। ए गोले द्वारा बी पर लगाया गया बल, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, तो ए फोर्स अप्लाई करता है इसलिए मैंने ए को पहले लिख दिया, बी पर फोर्स अप्लाई होता है तो बी को कहां लिख दिया, बाद में, तो एफ ए भी आ गया। अब देखो हमने जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था तो वहां पे जब हमने डिराइव किया तो एफ का फॉर्मूला क्या आया था, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को यहां पुट करो तब फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम वी वन माइनस यू वन डिवाइडेड बाय टी, फोर्स का एक फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, ए द्वारा बी पर लगाया गया बल, तो ए बल लगाता है तो ए का मास कितना होता है, एम वन, ठीक है, तो उसके वेग में परिवर्तन कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, वी वन, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, यू वन, ठीक है, एम वन वी वन माइनस यू वन अपॉन टी। और दूसरी चीज देखो, ये जो है आपका किसका फॉर्मूला है, संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो ए जो बल पर ए जो है वो जब बी पर फोर्स अप्लाई करेगा तो कितना फोर्स अप्लाई करेगा, जितना ए के संवेग में परिवर्तन की दर होगी उतना ही वो फोर्स अप्लाई करेगा। दैट मीन्स फोर्स अप्लाइड बी ऑन फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए। सेम हियर, बी गोले द्वारा ए पर लगाया गया बल, फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, तो क्या लिख दिया, एफ, बी ने फोर्स अप्लाई किया तो पहले बी किसके ऊपर अप्लाई किया, ए के ऊपर, तो उसको हमने कहा लिख दिया, बाद में। तो जब आप इसका फोर्स निकालोगे क्या आ जाएगा, एम टू बी टू माइनस यू टू अपॉन टी, जैसा कि फोर्स इसमें किसके इक्वल आया था, ए ने अप्लाई किया, तो ए जो फोर्स अप्लाई करेगा वो किसके बराबर आया था, ए के संवेग में परिवर्तन की दर के। तो यहां पर बी अप्लाई करेगा तो किसके बराबर हो जाएगा, बी के संवेग में परिवर्तन की दर के, जो कि कितना है, एम टू वी टू माइनस यू टू अपॉन टी, इसके बराबर आ जाएगा। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो दोनों फोर्स इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। ये आपने कल की वीडियो में देखा था कि जब कोई भी दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं तो दोनों बल एक दूसरे के बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं।
तो उसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, कि ए ने जो फोर्स अप्लाई किया वो किसके बराबर है, जितना बी ने फोर्स अप्लाई किया। यहां पे मैंने माइनस का साइन लगाया है, ये इसलिए लगाया है जो ये शो करे कि जो बल लगता है वो बराबर तो है लेकिन वो विपरीत दिशा में है, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। उसके बाद एफ ए बी कितना आया था, एम वन वी वन माइनस यू वन अपॉन टी, ये यहां पर हमने लिख लिया, माइनस का साइन यहां है ही, और एफ बी कितना है, एम टू बी टू माइनस यू टू अपॉन टी, तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद देखो दोनों तरफ टाइम सेम है, दोनों तरफ टाइम डिवाइड में है, तो यहां से टी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपको एम वन को वी वन से मल्टीप्लाई कर दो एम वन वी वन, माइनस एम वन को यू वन से मल्टीप्लाई कर दो एम वन यू वन, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब एम वन है तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है। तो यहां पर आपका आ गया एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको ये माइनस एम टू है, जब माइनस एम टू को वी टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस एम टू वी टू, और जब माइनस एम टू को माइनस यू टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस एम टू यू टू। अब देखो यहां पर हमारे पास प्लस में क्या है, एम वन वी वन, इस एम टू वी टू को भी हम इधर ही ले आते हैं उस तरफ माइनस में, इधर आगे किसमें हो जाएगा, प्लस में एम टू वी टू, ठीक है। उधर आपका ऑलरेडी क्या है, एम टू यू टू, अब इक्वल टू के इस तरफ माइनस एम वन यू वन है, जब इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाओगे तो किस में जाएगा, ये प्लस में, प्लस एम वन, प्लस एम वन यू वन, तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या आई थी, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इट इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। तो आपको पता है एम वन यू वन क्या था, ए का प्रारंभिक संवेग, M2 U2 क्या था, B का प्रारंभिक संवेग। तो दोनों जो संवेग थे, दोनों जो इनिशियल मोमेंटम थे, ये कोलोजन से पहले के थे, दैट मींस इट इज टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलोजन, दैट मींस टकराव से पहले का कुल संवेग। और ये किसके बराबर आया है, M1 V1 जो क्या है, A का अंतिम संवेग, M2 V2 क्या है, B का अंतिम संवेग, दैट मींस इट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ A एंड इट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ B। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब टकराव होने के बाद का क्या है, कुल संवेग। तो आपने यहां पर क्या देखा कि जब दो ऑब्जेक्ट्स टकराए उससे पहले का उनके पास जो संवेग था वो किसके बराबर आया, टकराने के बाद जो उनके पास संवेग है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई भी फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं होता तब तक उन वस्तु का जो प्रारंभिक संवेग है वो टकराने के बाद उस वस्तु के अंतिम संवेग के बराबर होता है। दैट मींस द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलोजन, ठीक है, कोलोजन से पहले का जो उनका टोटल मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलोजन इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तो ऑब्जेक्ट्स का कोलोजन से पहले का मोमेंटम हमेशा ही इक्वल होगा उसके कोलोजन के बाद के मोमेंटम के, यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलोजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलोजन, कि टकराव से पहले का कुल संवेग टकराव के बाद के कुल संवेग के बराबर है जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं होता है, टिल देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को जो है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इस टॉपिक के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो आज का आपका यही टॉपिक खत्म होता है, तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिए, देखते रहिए एंड थैंक यू।